उसी समय फ्लैट रेट पर हम लोगों ने बुनकर भाइयों की मदद करने का काम किया था और बिजली मिल रही थी फ्लैट रेट पर। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, इन्होंने न केवल किसानों को दुख दिया है बल्कि हमारे बुनकर भाइयों से भी काम छीनना चाहते हैं इन्हों। इसलिए हम किसानों को जहां सिंचाई के लिए फ्री बिजली देंगे, 300 यूनिट हर एक को फ्री बिजली देंगे, वहीं हम बुनकर भाइयों को भी पहले की तरह फ्लैट रेट पर बिजली देने का काम करेंगे। न केवल फ्लैट रेट बल्कि हमारे बुनकर भाइयों की, जो हमारे बुनकर भाई काम करते हैं, अगर उसमें मदद करनी पड़ेगी सरकार की तरफ से तो वो भी मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये हमारे गन्ने वाले लोग, जो किसान गन्ना पैदा करता है, कई बार चीनी मिल बिल नहीं दे पाते, उनका पैसा नहीं दे पाते गन्नों का, कई बार इंतजार करना पड़ता है किसानों को। समाजवादी सरकार ने कहा है कि सरकार बनेगी तो बजट से अलग से पैसा रख करके अपने किसानों का भुगतान कराने का काम करेंगे और 15 दिन के अंदर उनका भुगतान हो जाएगा। ये हमारे कर्मचारी, जो हमारे कर्मचारी हैं, वो जानते होंगे, सरकारी कर्मचारी, वो पुरानी पेंशन बहाल चाहते थे। समाजवादियों ने तय कर दिया है कि पुरानी पेंशन बहाल कर करके आपकी मदद करने का काम करेंगे। ये बीएड टेट वाले तो इसलिए खुश हो रहे हैं कि इनको नौकरी मिलने वाली है, और नौकरी के बाद रिटायर हो जाओगे तो पुरानी पेंशन मिलेगी, इसलिए खुश ही है। ये तो राय बना चुके हैं, पक्की राय बना चुके हैं कि इसका मतलब अंबेडकर नगर में, आपके जिले में तो इस बात का मुकाबला है कि कौन सी विधानसभा सबसे आगे रहेगी। हमारे रोजगार सेवक दिखाई दे रहे हैं पीछे, याद है रोजगार सेवक को, जब समाजवादी सरकार थी तो मदद होती थी अलग से बजट दे करके भी, इनका भी रोजगार सेवक हमें समय समय पर मिले हैं। ये जो सरकारी व्यवस्थाएं थी, कभी आउटसोर्स के नाम पर, कभी मानदेय के नाम पर, कभी इन्होंने सरकारी नौकरी नहीं दी। अगर सरकार पक्की है तो इन लोगों को भी पक्की नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। आगे जा रहे हैं कि 3 साल से फौज में भर्ती नहीं हुई है, हमारे नौजवान इंतजार करते रहे, इसलिए गर्मी निकालने वालों को हम कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती निकाल करके अपने नौजवानों को वर्दी पहनाने का काम होगा। और 3 साल में कई नौजवानों की उम्र बढ़ गई है, अगर हमें आयु सीमा को बढ़ाने के लिए भी लड़ना पड़ेगा दिल्ली की सरकार से, तो समाजवादी पार्टी लड़ेगी और आयु सीमा में भी छूट दिलाने का काम करेंगे। न केवल फौज में बल्कि पुलिस में भी भर्ती निकालने का काम समाजवादी सरकार में होगा। समाजवादियों ने तय किया है अपनी माताओं बहनों की मदद के लिए कि समाजवादी सरकार बनेगी तो गरीब परिवार की माताएं बहनों को 1500 रुपया महीना और साल का 18000 रुपए पेंशन देने का काम करेंगे। ये राशन को लेकर के बड़ा चिल्ला रहे बीजेपी के लोग, और अब तो प्रचार अखबारों में देना भी बंद कर दिया, अब राशन का प्रचार अखबारों में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के लोग पहले नवंबर तक राशन दे रहे थे, लेकिन अब ये दे रहे हैं मार्च तक। कभी सोचिए कि मार्च तक क्यों दे रहे हैं, ये मार्च तक इसीलिए दे रहे हैं
कि आपका वोट लेना चाहते हैं और वोट लेकर के राशन को बंद करना चाहते हैं। इसीलिए आप पता कर लो, लखनऊ के दिल्ली के बजट में इन्होंने जो राशन बांटने के लिए कोई बजट नहीं रखा है, ये मार्च में खत्म कर देंगे क्योंकि जानते हैं इनकी सरकार बनने वाली नहीं है। इसलिए अपने गरीब परिवारों को हम भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार आएगी तो 5 साल राशन देने का काम गरीबों को होगा। न केवल राशन बल्कि घी, सरसों का तेल और बच्चों के लिए दूध का पाउडर भी, जिससे दूध बना करके पिया जा सके, समाजवादी सरकार में फ्री देने का काम होगा। इसलिए मदद करिए, आज आपके साथ हर दल आ गया है, साथ के नहीं आ गए, उनके पार्टी के लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये गोंडवाना पार्टी आ गई कि नहीं, हमारी मदद कर रही है कि नहीं कर रही, ये हमारे गोंडवाना पार्टी के लोग खड़े हैं और बैठे हैं। मैं तो जानता हूं, जब से बीजेपी ने पीला रंग देख लिया वो ढीले पड़ गए हैं।